प्यारे बच्चों नमस्कार। दसवीं कक्षा के गणित के पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रश्नावली 12.2 के पहले चार प्रश्न हल कर लिए थे और इस प्रश्नावली में जो भी महत्वपूर्ण सूत्र यूज होते हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। अब देखिए आगे प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में दिया है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए, फर्स्ट पार्ट है चाप की लंबाई, सेकंड पार्ट में मैं ज्ञात करना चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, थर्ड पार्ट है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर हमें एक वृत्त दिया हुआ है, ये वृत्त का केंद्र है और ये त्रिज्या कितनी दी हुई है, 21 सेंटीमीटर दी हुई है। और ये कहता है कि इस वृत्त की एक चाप जो है वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो पहले पार्ट में हमें इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले जो हमें गिवन है वो लिख देते हैं, इसका हल करेंगे हम कि वृत्त की त्रिज्या आर जो हमें दी हुई है वो है 21 सेंटीमीटर और चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा जो है वो कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। अब फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं जिसमें हमें ज्ञात करना चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र जो है मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, थीटा बटे 360 डिग्री गुणा 2 पाई आर। अब थीटा है यहाँ पर 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा 2, पाई की वैल्यू रखूँगा मैं 22/7 गुणा आर, आर है त्रिज्या 21। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6 6 6 36, 2 1 2 2 3 6, 7 1 7 7 3 21, 3 1 3 3 1 3। तो ये आ जाती है 22 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो ये चाप है इस चाप की लंबाई कितनी प्राप्त हो जाएगी, हमें 22 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। अब सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको ज्ञात करना चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी ये जो त्रिज्याखंड है इसका क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके, अब त्रिज्याखंड ओ ए बी पी, अब देखो त्रिज्याखंड एक ऊपर भी बना हुआ दीर्घ त्रिज्याखंड, इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं कि त्रिज्याखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है क्या होता, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वेयर। ये किसके बराबर होगा, थीटा वही 60 डिग्री बटे 360 डिग्री फार्मूले वाला इंटू पाई, पाई लेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वेयर 21 गुणा 21। 0 से 0 कट, 6 एकम 6 6 6 36, 7 एकम 7 7 21, 3 एकम 3 3 2 6, 11 2 22। अब देखिए ये कट करने के बाद 21 और 11 की जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 231, और क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल आएगा वर्ग इकाई में यानी वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए ये जो जीवा है इस द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। थर्ड पार्ट देखिए कि
वृत्तखंड ए पी बी का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। कि त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता है कितना है, 231 वर्ग सेंटीमीटर अभी आपने कैलकुलेट किया था। और ये जो त्रिभुज ओ ए बी है, अब देखिए ये कोण 60 डिग्री का है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर होंगे। बराबर होंगे तो इन दोनों का टोटल कितना होगा? 120 होगा, क्योंकि 60 तो ये हो ही गया। और 120 का अगर आधा आधा करेंगे तो 60 डिग्री और 60 डिग्री, और ये समबाहु त्रिभुज हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल की बजाय समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र में पता है क्या होता है? 3/4 गुणा भुजा का वर्ग। तो 231 माइनस वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा है 21 का वर्ग, तो ये आ जाएगा 231 माइनस 21 गुणा 21 441 वर्गमूल 3/4 वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में तीन पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, तो उसमें थीटा बटे 360 टू पाई आर लगा दीजिए। थीटा आपको गिवन है, पाई 22/7 लेना है, आर भी 21 गिवन है, बस सॉल्व करना है। दूसरे में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर वैल्यू पुट करके सीधा आंसर ज्ञात कर दीजिए। नेक्स्ट है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जिसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपने पहले कैलकुलेट कर ही लिया, उसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना और इसे सॉल्व करना बस। आगे प्रश्न नंबर 6 देखिए। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको एक वृत्त दिया हुआ है, और वृत्त की एक जीवा जो है वो इस वृत्त के केंद्र पर कहता है कि 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। अब जो लघु वृत्तखंड और जो शेष जो बचा दीर्घ वृत्तखंड, इन दोनों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 तथा वर्गमूल 3 की वैल्यू 1.73 का प्रयोग करना है। तो यहाँ अगर इसका हल करें तो वृत्त की त्रिज्या हमें गिवन है, आर से नोट करते हैं 15 सेंटीमीटर, और जीवा इसको पी क्यू का नाम देते हैं, जीवा पी क्यू द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। थीटा ले लेते हैं, कितना है? 60 डिग्री। अब देखिए हमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस लघु वृत्तखंड को नाम देता हूँ पी, इस पॉइंट को ए नाम देता हूँ पी ए क्यू। तो यहाँ पर संगत लघु वृत्तखंड पी ए क्यू का क्षेत्रफल, पी ए क्यू का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ओ पी क्यू त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड
क्षेत्रफल माइनस ओ पी क्यू, त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड ओ ए पी क्यू का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वेयर होता है, और त्रिभुज ओ पी क्यू क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा का स्क्वेयर। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कारण दे दीजिए कि त्रिभुज ओ पी क्यू में ओ पी बराबर पी क्यू है, इसलिए कोण पी बराबर कोण क्यू है और उसे हम एक्स मान लेते हैं। अब कोण ओ प्लस कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर 180 डिग्री। ओ कितना गिवन है, 60 डिग्री, पी कितना है एक्स, क्यू कितना है एक्स बराबर 180 डिग्री। तो एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x, 60 इधर ले जाइए 120 डिग्री, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। तो यहाँ प्रत्येक कोण कितने कितने का हो गया, 60 डिग्री का हो गया, इसलिए त्रिभुज ओ पी क्यू एक समबाहु त्रिभुज है। ये जहाँ पर भी आपको 60 डिग्री का कोण दिया हो वहाँ इतना काम आप कर ही दीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा सवाल किया हुआ आपका। तो यहाँ पर अब पता लग जाएगा एग्जामिनर को भी बच्चे ने वर्गमूल 3/4 गुना भुजा स्क्वायर क्यों लगाया है। अब थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, वटे में क्या दिया हुआ है 360, पाई कितना लेना है 3.14, आर 15 सेंटीमीटर है तो 15 गुणा 15, माइनस वर्गमूल 3 1.73 बटे 4, भुजा कितनी 15 का वर्ग, 15 गुणा 15 225, इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेता हूँ। 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6 6 6 36, और ये आ जाएगा 3.14 गुणा 15 गुणा 15 225 वटे में 6, माइनस 1.73 गुणा 225 वटे 4। अब देखिए 225 दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, यह बचेगा 3.14 वटे 6, माइनस यह बचेगा 1.73 वटे 4। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये जो है बीस दशमलव 4375 के बराबर आएगा। आप इसे एलसीएम लेकर के सॉल्व करना, फिर 225 से गुणा करना, यही आएगा 20.4375। अब आता है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें ज्ञात करना है संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड ये जो पोर्शन बचेगा, ये जो पोर्शन है जो मैंने रेड कलर से शेड किया, ये क्या है, दीर्घ वृत्तखंड। इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे कि पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, उसमें से ये लघु वाला माइनस कर लेते हैं, अपने आप दीर्घ का बच जाएगा। तो मैं यहाँ पर पहले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेता हूँ, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वेयर। पाई कितना लेना है 3.14, आर कितना है 15 गुणा 15। जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा मेरे पास 706.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का
क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 706.5 वर्ग सेंटीमीटर, और लघु वृत्तखंड का है 20.4375 वर्ग सेंटीमीटर। ये जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 686.0625 वर्ग सेंटीमीटर। थोड़ा समय बचाने के लिए कैलकुलेशन मैंने पहले से ही करके रखी है, आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे 7th क्वेश्चन है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये एक वृत्त गिवन है और ये ए भी एक जीवा दी हुई है। ये वृत्त किस केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है? कितने डिग्री का अंतरित करती है? 120 डिग्री का। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी हमें वृत्तखंड ए पी बी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस बिंदु को मैंने बिंदु पी बोला है, चाहे तो इसे बाहर लिख सकते हैं ए पी बी। तो यहाँ पर ये जो पहले से कंस्ट्रक्शन की हुई, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसको सीधा सा चित्र बना लीजिए आप। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर है, जो किसके बराबर है? 12 सेंटीमीटर के बराबर है। केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण थीटा जो है वो कितना है? 120 डिग्री है। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा त्रिज्याखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका मैंने एक सूत्र बताया था आपको कि अगर मान लीजिए 90 डिग्री का कोण हो तो यहाँ पर बनेगी समकोण त्रिभुज, 90 का भी नहीं है, 60 डिग्री का हो तो बनेगी समबाहु त्रिभुज, और जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, इसे समबाहु प्रूव कर देना है। लेकिन अब है 120 डिग्री का, तो 120 डिग्री का अगर एंगल आ जाए या कोई अन्य एंगल आ जाए 60 और 90 के अलावा, तो आपने सूत्र लगाना है कि आर स्क्वेयर साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सूत्र प्रूफ भी कर दिया था, अगर आपने प्रूफ देखना हो तो, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, आप इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये सूत्र याद रख लें। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, थीटा कितना है? 120 डिग्री, 120 बटे 360, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 गुणा आर स्क्वेयर, आर कितना है? 12, आर स्क्वेयर करेंगे तो 12 गुणा 12, यहाँ पर फिर आर स्क्वेयर है तो 12 गुणा 12 साइन थीटा बाई 2, यानी साइन थीटा है 120, 120 बटे 2 60 डिग्री, कोस थीटा बाई 2 कोस 60 डिग्री, तो 0 से 0 कैंसिल होगी, 12 एकम 12, 12 3 36, और ये 3 चौके 12, अब 12 चौके 48, 48 को 3.14 से जब मैं गुणा करूँगा तो ये आएगा 150.72। इसी तरह से 12 गुणा 12 144 गुणा साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी वर्गमूल 3/2, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2, 2 2 7 14 और 36, और वर्गमूल 3 की वैल्यू रखेंगे 1.73, तो ये 150.72 गुणा 36 गुणा 1.73। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 150.72 माइनस 36 की 1.73 से गुणा करेंगे तो ये आएगा
62.28, 150.72 में से 62.28 माइनस होंगे तो ये 88.44 वर्ग सेंटीमीटर जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 88.44 वर्ग सेंटीमीटर।